Hello and welcome everybody to my channel. Today in this video I am going to talk about top 50 MCQ questions of chemistry for IMS CAT exam. So without wasting any time, let's start the video and look for the questions. Question number 1. A neutral atom, atomic number 1, consists of option A, only protons, B, neutrons plus proton, C, neutrons plus electron, या option D, neutrons plus protons plus electron. इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 2. द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑप्शन ए 10 टू द पावर माइनस 12 एम, बी 10 टू द पावर माइनस 8 एम सी, सी 10 टू द पावर माइनस 15 एम, या ऑप्शन डी 10 टू द पावर माइनस 10 एम. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 टू द पावर माइनस 15 एम. थर्ड क्वेश्चन. द इलेक्ट्रॉन इज अ ऑप्शन ए अल्फा रे पार्टिकल, ऑप्शन बी बीटा रे पार्टिकल, सी हाइड्रोजन आयन, या डी पॉजिट्रॉन. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बीटा रे पार्टिकल. क्वेश्चन नंबर 4. द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास शुड बी ग्रेटर फॉर ऑप्शन ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, या ऑप्शन डी अल्फा. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन. क्वेश्चन नंबर 5. द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट बी पी एस एंड एफ लोवेस्ट फर्स्ट इज. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपरली इंडिकेटेड अगेंस्ट इट. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. 7th क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 8. द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट जेड आर एंड वाई हैव अबाउट सेम रेडियस, जेड आर एंड एन बी हैव सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट, जेड आर एंड एच एफ हैव अबाउट सेम रेडियस, या ऑप्शन डी जेड आर एंड जेड एन हैव द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Assuming Hund's rule is violated, the bond order and magnetic nature of diamagnetic molecule B square is option A 1 and diamagnetic, B 1 and paramagnetic, option C 0 and diamagnetic, या option D 0 and paramagnetic. तो इसका आंसर हो जाएगा option A 1 and diamagnetic. Question number 10. In which of the following pairs of molecules ions the central atom have sp square hybridization? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 11. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज नॉट द सेम एज दैट प्रेजेंट इन द ऑर्डर 3. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन 13. थर्मोस फ्लैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ A open system, B isolated system, C closed system, या D none of these. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B isolated system. Now question number 14. Boiling water in an open beaker can exchange with surroundings. Option A only energy, option B only matter, C both of these, या option D none of these. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा both of these, option C water. Question number 15. Water at its freezing point in a close insulated vessel represent a option A open system, B heterogeneous system, C closed system, option D homogeneous system. So iska correct answer ho jayega option B heterogeneous system. Now question number 16. Which one of the following is not a state function? Option A W, option B U, option C H, ya option D S. So iska correct answer ho jayega option A W. 17th. Which of the following is अमोर्फस सब्सटेंस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नाउ क्वेश्चन 18. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सॉलिड आर ऑप्शन ए डेफिनेट शेप, ऑप्शन बी डेफिनेट साइज, ऑप्शन सी डेफिनेट शेप एंड साइज, या ऑप्शन डी डेफिनेट शेप साइज एंड रिजिडिटी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेफिनेट शेप साइज एंड रिजिडिटी. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव ऑप्शन ए ट्रांसलेटरी मोशन ओनली, ऑप्शन बी रोटेटरी मोशन ओनली, ऑप्शन सी वाइब्रेटरी मोशन ओनली, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 20. अमोर्फस सब्सटेंसेस शो ए शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बी शॉर्ट रेंज ऑर्डर, सी लॉन्ग रेंज ऑर्डर, या ऑप्शन डी हैव नो शार्प एमपी. क्वेश्चन इसके ऑप्शन हैं
A and C are correct, B, B and C are correct, C and D are correct, they are B and D are correct. तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एंड डी आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21. और सॉल्यूशन इज ऑप्शन ए अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, ऑप्शन बी कंपाउंड ऑफ टू कंपोनेंट्स, ऑप्शन सी अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स. क्वेश्चन नंबर 21. आयोनिक कंपाउंड्स आर रेडिली सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स बिकॉज, ऑप्शन ए दे हैव हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ऑप्शन बी वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर, सी आयोनिक क्रिस्टल्स आर इजिली ब्रोकन डाउन इन पोलर सॉल्वेंट्स, या ऑप्शन डी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड क्रिस्टल्स एंड द पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 23. इन द सॉल्यूशन ऑफ एन आयोनिक सॉल्यूट इन अ पोलर सॉल्वेंट द आयंस आर ऑप्शन ए हाइड्रेटेड, बी एसोसिएटेड विद वाटर मॉलिक्यूल्स ऑनली, सी केमिकली कंबाइंड विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, या ऑप्शन डी सोलवेटेड. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोलवेटेड. क्वेश्चन नंबर 24. कोलिजेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन आर दोज हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट, बी नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन इट, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन इट, या नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट. क्वेश्चन नंबर 25. मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वेरीज विद डेंसिटी डी इज, ऑप्शन ए डी स्क्वायर, बी डी, सी रूट डी, या ऑप्शन डी वन बाई अंडर रूट डी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वन बाई अंडर रूट डी. क्वेश्चन नंबर 26. द वैल्यू ऑफ अ गैस कॉन्स्टेंट आर इज, ऑप्शन ए 0.082 लीटर एटीएम, बी 0.987 कैल मॉलिक्यूल -1 K -1, ऑप्शन सी 8.3 जे एम ओ एल -1 K -1, ऑप्शन डी 8 ई आर जी मॉलिक्यूल -1 K -1. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नंबर 27. द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव्स, ऑप्शन ए ओनली बॉयल्स लॉ, बी ओनली चार्ल्स लॉ, सी ओनली एवोगैड्रोस लॉ, या ऑल ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 28. फॉर एन आइडियल गैस द नंबर ऑफ मोल पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर पी गैस कॉन्स्टेंट आर एंड टेम्परेचर टी इज, ऑप्शन ए पी टी बाई आर, ऑप्शन बी पी इंटू आर इंटू टी, ऑप्शन सी पी बाई आर टी, या ऑप्शन डी आर टी बाई पी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पी डिवाइडेड बाई आर टी. क्वेश्चन नंबर 29. एज कम्पेयर टू पोटेशियम सोडियम हैज़, ऑप्शन ए लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्शन बी हायर एनर्जेशन पोटेंशियल, सी ग्रेटर एटॉमिक रेडियस, या डी लोअर मेल्टिंग पॉइंट. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल. क्वेश्चन नंबर 30. द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन फ्यूजन ऑफ BaSO4 एंड Na2CO3 इज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 31. विच इज एन ओर ऑफ पोटेशियम, ए कार्नेलाइट, बी काइरोलाइट, सी साइट, या ऑप्शन डी डोलोमाइट. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 32. केस ऑफ अल्काली मेटल्स द कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस इन ऑर्डर, इसके ऑप्शन हैं 4. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 33. एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज डाइमर Al2Cl6 इन अ सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, व्हेन सॉल्वड इन वाटर इट गिव्स. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एसिडिक इन नेचर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 35. एनहाइड्रस AiCl कैनॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ऑप्शन ए हीटिंग AiCl3.6H2O, ऑप्शन बी बाईपासिंग ड्राई HCl ओवर हॉट एल्यूमिनियम पाउडर, ऑप्शन सी बाईपासिंग ड्राई Cl2 ओवर हॉट एल्यूमिनियम पाउडर, या ऑप्शन डी बाईपासिंग ड्राई Cl2 ओवर अ हॉट मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड को. उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 36. व्हेन A1 इज एडेड टू KOH सॉल्यूशन, ऑप्शन ए नो एक्शन टेक्स प्लेस, बी ऑक्सीजन इज इवॉल्व, सी वाटर इज प्रोड्यूस, या डी हाइड्रोजन इज इवॉल्व. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. 37. नोइंग दैट द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड्स इज डोमिनेटेड बाई इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट,
ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ LN3 आयंस द बॉन्डिंग इन इट्स कंपाउंड इज प्रेडोमिनेंटली आयोनिक इन कैरेक्टर. ऑप्शन बी, द आयोनिक साइजेस ऑफ LN3 डिक्रीजेस इन जनरल विथ इंक्रीजिंग एटोमिक नंबर. ऑप्शन सी, LN3 कंपाउंड्स आर जनरली कलरलेस. या ऑप्शन डी, LN3 हाइड्रोक्साइड्स आर मेनली बेसिक इन कैरेक्टर. उसका करेंट आंसर होगा ऑप्शन सी, LN3 कंपाउंड्स आर जनरली कलरलेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 38, इन कंटेक्स्ट विद द ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन ए, इन एडिशन टू नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो शोन बाई दीज एलिमेंट्स इन कॉम्प्लेक्सेज. ऑप्शन बी, In the highest oxidation state, the transition metals show basic character and form cationic complexes. Option C, in the highest oxidation states of the first 5 transition element Sc2Mn, all the 4s and 3d electrons are using for bonding. Option D, once the D3 configuration is exceeded, the tendency to involve all the 3d electrons in bonding decreases. Then correct answer of this question is option number B, in the higher oxidation states the transition metals show basic character and form cationic complexes. Now moving on, question number 39, highest oxidation state is shown by option A, CO, B, CR, C, V, or option D, Mn. So correct answer hoga option number D, Mn. Now question number 40, in a reaction of ferrous iron oxide to ferric iron, the equivalent weight of the On in the above reaction is equal to option A, half of the atomic weight, B, 1/5 of the atomic weight, C, the atomic weight, option D, twice the atomic weight. Correct answer of this question is option C, the atomic weight. Question number 41, which is used as hydrogen generators? Option A, NH, B, HI, C, S6H3, yeah, option D, none of these. उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NH. क्वेश्चन 42, विच पेयर डज नॉट शो हाइड्रोजन आइसोटॉप्स. ऑप्शन ए, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन, बी, प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम, सी, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ऑप्शन डी, ट्राइटियम एंड प्रोटियम. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन. क्वेश्चन 43, Among the following, identify the compound which cannot act as both oxidizing and reducing agent. ऑप्शन ए, H2O2, बी, H2, सी, SO2, डी, HNO2. करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, H2. 44, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन. ऑप्शन ए, Mg+H2O, बी, BaO2+HCl, सी, H2SO H2S4O8+H2O, डी, Na2O2+2HL. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, Mg+H2O. Moving on the next question, 45. In which of the following compound sp2- hybridization is? The answer for this question is option number B. Question 46. Each carbon atom in benzene is in the state of hybridization. Option A, sp3. Option B, sp2, csp. Yeah, option D, sqp. Correct answer for this one is option number B, sp2. That's all for today guys. I hope you all like the video. Aise videos ke liye follow kar lo Instagram pe aur subscribe kar lo mere channel ko. Yaar video to dekhte ho par subscribe nahi karte bhai. Bura lagta hai bhai, aap dil se lagta hai bhai, aap samajh hi sakte ho. Catch you up soon with a new video. Tab tak ke liye Jai Hind.